हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम कुछ इम्पोर्टेंट इडियम्स जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, यानी दुबला पतला व्यक्ति। इसके लिए हम इस इडियम का यूज़ करते हैं, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नेक्स्ट है बैड हैड्स। बैड हैड्स का इडियम का यूज़ वहाँ होता है बुरे चरित्रवान व्यक्ति के लिए, मतलब पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। बैड हेड्स मीन्स पीपल ऑफ बैड कैरेक्टर। नेक्स्ट है चिकन डाउट। चिकन डाउट मीन्स विड्रो, मतलब अपने आप को किसी चीज़ से अपने आप को निकाल लेना, उस चिकन डाउट। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ही चिकन डाउट व्हेन ही कन्फ्रंटेड अपोजिशन, जब वह अपने विरोधियों से मिला तो उसने अपने आप को निकाल लिया, चिकन डाउट कर लिया। नेक्स्ट है डंकीज ईयर। डंकीज ईयर ईडियम का यूज़ करते हैं हम लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। डंकीज ईयर्स ए लॉन्ग टाइम, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट है कम आउट ऑफ योर शेल टू बिकम लेस साइड एंड मोर कॉन्फिडेंट, मतलब कोई व्यक्ति अपनी सेफ मोड से बाहर निकलता है, बहुत ही कम शर्मीला हो जाए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास से भर जाए, तो कम आउट ऑफ योर शेल इडियम का यूज़ हम वहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ एटिकेट। ब्रीच ऑफ एटिकेट मतलब कोई हमारी पोलाइट जो सोसाइटी है उसके नियम कानून, एक अच्छे जो नियम कानून उनके विरुद्ध रहता है, जो एक फॉर्मल रूल्स होते हैं हमारी सोसाइटी के उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट रहता है। ब्रीच ऑफ एटिकेट अगेंस्ट द फॉर्मल रूल्स ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन ए सोसाइटी। नेक्स्ट है सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब कोई व्यक्ति एक ही समय पर कई एक्टिविटीज या कई बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है, उसके लिए हम इस idiom का यूज करेंगे, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर टू बी इन्वॉल्व इन सेवरल एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस एट द सेम टाइम, जो एक ही समय पर कई बिजनेस या कई एक्टिविटी में बिजी रहता हो, इन्वॉल्व रहता हो। नेक्स्ट है टुक समबडीज ब्रेथ अवे, मतलब किसी सरप्राइजिंग या कोई ब्यूटीफुल वस्तु को देखकर हमारी सांस एक बार के लिए ठहर जाती है, तो उसके लिए टुक समबडीज ब्रेथ अवे का idiom का यूज़ करते हैं, टू बी वेरी सरप्राइजिंग और ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है सॉफ्ट इन द हेड। सॉफ्ट इन द हेड मूर्ख व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। सॉफ्ट इन द हेड मीन्स स्टूपिड और अनइंटेलिजेंट। नेक्स्ट है कीप योर हैंड इन, मतलब हमें कोई काम करना है या कि कोई चीज़ हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी रहती है, तो उसके लिए हम इस idiom का यूज़ करते हैं, कीप योर हैंड इन, मतलब हम स्किलफुल कौशलपूर्ण बने रहें उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इंग्लिश में लेते हैं, टू ओकेजनली डू समथिंग दैट यू यूज्ड टू डू ए लॉट, जो हम बहुत करते हैं और उसमें प्रैक्टिस करनी रहती है, सो दैट यू डू नॉट लूज योर स्किल, जिससे हम अपना कौशल उस क्षेत्र कार्य क्षेत्र में ना खोएं। जैसे हम खिलाड़ी हैं तो हमें खेलते रहना होता है ताकि हम अच्छे खिलाड़ी बने रहे। नेक्स्ट है पिलर टू पोस्ट टू, मतलब अपना ट्राइड बेस्ट, अपना पूर्ण प्रयास करना। पूर्ण प्रयास में इस idiom का यूज करते हैं, पिलर टू पोस्ट टू, अपना बेस्ट देना, ट्राइड बेस्ट। एग्जाम्पल देख लें, द पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू टू गेट मनी, मतलब कोई गरीब व्यक्ति मनी पाने के लिए, पैसे पाने के लिए पूरा प्रयास उसने किया। पिलर टू पोस्ट टू, अपना पूरा प्रयास करना, ट्राइड बेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट idioms है। नेक्स्ट है द फर्स्ट ब्लश। द फर्स्ट ब्लश हम फर्स्ट साइट के लिए, पहली बार जो हमें दिखता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे द स्कीम अपीयर्स वर्थलेस एट द फर्स्ट ब्लश, कोई स्कीम थी जो पहली बार दिखने में बेकार लगी। द फर्स्ट ब्लश मीन्स फर्स्ट साइट या पहली बार देखने में। नेक्स्ट है ट्रम्प अप। ट्रम्प अप होता है किसी बारे में, किसी वस्तु के बारे में कोई झूठी कहानी फैलाना, ट्रम्प अप। टू मेक अप ए फॉल्स स्टोरी अबाउट समथिंग और somebody, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब द गिफ्ट ऑफ द गैब
अगर हमारे अंदर ये योग्यता है कि हम दूसरों को अपनी आसानी से बात समझा सकते हैं, दूसरों को मना सकते हैं अपनी बातों से, तो बोलते हैं द गिफ्ट ऑफ द गैब, द एबिलिटी टू स्पीक ईजिली एंड टू परसुएड अदर पीपल विद योर वर्ड्स। नेक्स्ट है पास समबडीज योर सेल्फ और समथिंग ऑफ एज समबडी और समथिंग, मीन्स पास समबडी ऑफ एज समबडी, मतलब दिखावा करना जो हम नहीं है उस चीज़ का बहाना बनाना। टू प्रिटेंड दैट समबडी इज समबडी दे आर नॉट, मतलब जो हम नहीं है उस चीज़ का दिखावा करने के लिए हम इस idiom का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू कास्ट एज पर्सन टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स, मतलब हम किसी के बारे में कोई निंदा या कोई गलत कमेंट करते हैं तो बोलते हैं टू कास्ट एज पर्सन। जैसे एग्जाम्पल है आई वुड नॉट वॉन्ट टू कास्ट एज पर्सन ऑन ऑनेस्टी, मीन्स वो उसकी ईमानदारी के ऊपर कोई निंदा या कोई कमेंट नहीं करेगा, नहीं करना चाहता, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है ऑन द कार्ड्स, ऑन द कार्ड्स मीन्स अपेक्षित या जो होना ही है, लाइकली टू हैपन, जो नॉर्मल होना ही है उसके लिए यूज करते हैं इस idiom का ऑन द कार्ड्स। तो ऑन द कार्ड्स हो गया अपेक्षित, लाइकली टू हैपन, जो होना ही है। नेक्स्ट है डार्क हॉर्स एंड अनएक्सपेक्टेड विनर, मतलब जिस लोगों ने सोचा ना हो और कोई और ही जीत जाए, एन अनएक्सपेक्टेड विनर, सो बोल उसके लिए हम यूज़ करते हैं डार्क हॉर्स, इम्पोर्टेंट idiom है डार्क हॉर्स। नेक्स्ट है टू टेक विद ए ग्रेन ऑफ साल्ट, मतलब कोई वस्तु है और उसमें थोड़ी बहुत कमी है लेकिन हम उसे एक्सेप्ट कर लें, तो उसके लिए इस idiom का यूज होता है टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग। नेक्स्ट है कम क्लीन, मतलब साफ खुलकर आना, अपनी कोई सीक्रेट है उस बात को एक्सप्लेन करना और उसे स्वीकार करना, उसके लिए हम इसी idiom का यूज करते हैं कंप्लेन का, टू एडमिट एंड एक्सप्लेन समथिंग दैट यू हैव केप्ट एज ए सीक्रेट। तो दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट idioms हैं, आपने याद रखेंगे कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, यूपी टेट, सी टेट, पुलिस, एसएससी वगैरह, इनमें सब में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।